मैं प्यारी न्याबादी, मैं हूँ प्यारी न्याबादी। हाँ, सब कैसे हो, सब कैसे हो आप, सब ठीक हो? तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी न्याबादी। सब लोग कैसे हो, तब तक कैसे हो, ठीक हो? अभी हम सो के उठे हैं, तो अभी हमने नाश्ता कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? यसीन की तबीयत खराब है, यसीन की तबीयत खराब है, उसकी ये वाली खराब है उसकी, वो भी सोया हुआ है। और क्या, उसको दोनों आंखें खराब हो गई हैं, तो वो अभी सोया हुआ है। हीरा से या किधर है, इधर आओ, आपको हीरा से मिलाती हूँ, जाने ना पास आओ। अभी आपने आगे खोलने ऑक्सीमीटर टीका कर दिया, यो तक तुके लाऊं तुमको लगाऊं? सेब हट, चाह गए रखी भैया। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हो? I like my darling. गर्म हो गया हीरा, कहती हो? ये कहती हो हीरा, I love you, sorry. अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे, कुछ 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 कुछ, सॉरी है। हीरी, ये देखो, गंदी होती। ओए, क्या कहती है?
Kira. Kiri. Lebang. Kira. Kiri. Kira. Hello. Kiri. Kira. 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 Ummi tu. Oh, sorry. जी तो कल जो व्लॉग स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट आज करने लगे हैं। यासीन कल तो ठीक था, शाम में उसकी आंखें खराब हो गईं क्योंकि अगले दिन आदल आया था अशोबे चश्म के साथ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि ना कोई इस तरह का मरीज मेरे घर में आए क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं। वो तो ऊपर ही रहा है पर यासीन उसकी आंखों में दवाई डालता रहा। मुझे लगता है कि ना ये हाथ इसने लगाए हैं तो बीमार हो गया। अब उसको मैंने ऊपर ही छोड़ा हुआ है, बहरहाल ऊपर भी आना जाना है सबका। आज मेरे उसकी दूसरी आँख खराब हो गई है, कल एक थी अब दूसरी हो गई है। अब मुझे ऐसे ही वहम हुआ हुआ है कि मेरी आँखों में भी हो रहा है कुछ। मैं मेडिसिन सबको डाल रहे हैं हम मेडिसिन। तो बस दुआ करें कि यासीन ठीक हो जाए। और अभी हम जा रहे हैं जी दुआ करने, सिस्टर के घर जाएंगे। तो कुछ उस दिन जो शॉपिंग की थी ना उसमें से कोई आशा कपड़े जो वो चेंज करने, साइज उसका सही नहीं है। तो आज बस यही दो काम होने हैं, अगर बीच में कोई टाइम मिला तो फिर जो है ना वो देखेंगे। और आज किचन में आयशा की हेल्प जो है ना वो फहीम कर रहे हैं, साथ उसके कुछ काम करवा रहे हैं। तो मैं आयशा को भी कह रही हूँ कि आप भी ख्याल रखो, दवाई डालो आँखों में, ये ना हो के बीमार हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। अगर ये बच्चे बीमार हो गए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको संभालना, ये तो केयर कर नहीं सकते अपनी। तो यही थी जी आज की हमारी रूटीन और आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। ये जो है ना एग उबालने वाली जो ये मशीन है ना, ये इतनी ज़बरदस्त है जनाब। आज मैंने इसमें रात को फेंकने वाले थे, आज मैंने उबाले हैं। ये इतनी सी ये मशीन है। ये एक गिलास इसमें ना इसकी स्ट्रे में पानी डालना है और अपनी मर्जी के हाफ बॉयल करना है, मीडियम करना है, फुल करना है। ये आपका है। ये लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है और जब ये जितने भी आपने रखा होता है वो फिर ना इसका अलार्म बज जाता है। और आप यकीन माने उसका टेस्ट ही और है और बड़े सॉफ्ट उसका छिलका जो उतर जाता है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी मज़े की है। गैस आए ना आया या इसमें ना 6 मिनट में हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये बीच में मुझे लगता है एक हो जाता है ना, 7 अंडे जो है ना उबल जाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त है। अब इसका क्या यूज है मुझे ये नहीं पता। ये एग फ्राई। अच्छा, फ्राई भी हो जाते हैं इसमें बगैर ऑयल के? स्टील की प्लेट होनी चाहिए, नीचे स्टील की है ना ये वाली, ऊपर भी होती है स्टील की, पता नहीं मैंने आज फ्राई हो जाती है। ये मेरे ख्याल में यूं करके रखी जाती है इसको ऐसे यूं। देखा नहीं, नहीं उबाल के तो मैंने वो बता दिया है। तो इसमें हल्का सा ऑयल डाल के मेरे में से एक फ्राई भी हो जाता है। बुक आप ना लेके नहीं आए ना, पैकिंग उसी के अंदर होगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, इसको आप लाजमी यूज करें। इस है ना प्लेट पड़ी है ना, इसकी वजह से ना एग फ्राई हो जाता है। ये है किस कंपनी का जनाब? हाँ स्टीम पे होगा ये लग रहा है। कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ना करें। हाँ छोड़ने पर है, सही है ये भी। तो ये अच्छी चीज है जी। अभी हम पहुंच गए कमर्शियल मार्केट, जा रहे थे असल उस दिन कपड़े लेके आए थे, थोड़ा सा वो चेंजिंग करवानी है। तो इधर जी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है तो थोड़ा सा ये फ्रेश जूस का ऑर्डर दिया है, उसके बाद फिर मार्केट जाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर है, ज़ाहिर अभी मौसम तो एकदम चेंज नहीं हुआ, तो रात में अच्छा हो गया। सुनाएं जी तबीयत अब बेहतर है?
हाँ जी बेहतर है थोड़ी सी तबीयत, मेडिसिन की वजह से हो जाती है तबीयत खराब, मेडिसिन खा के आई थी तो इसलिए। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें गाड़ी में से धूप इतनी लगती है, सीधी लग रही जैसे सीने में ही लग रही है, तो इसलिए यहाँ रुकेंगे चले, कोई थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, जूस वूस पीते हैं, मुझे प्यास लगी हुई थी इसलिए चले आता है खाना जो भी, तो आपके साथ शेयर करते हैं जूस भी और रिफ्रेशमेंट जो भी करते हैं। ये है जी जूस, मिक्स फ्रूट का है सारा, क्या फ्रूट पंच। ठंडा बहुत ज्यादा और मेरा गला पहले ही खराब है, उससे थोड़ी देर धूप में रख दे सेट हो जाएगा। यहाँ पे जी ये आ गए हमारा रिफ्रेशमेंट, दिखाएं नीचे करे जरा, ये बर्गर फ्राइज ये सामने दिखाते हैं आपको। कितने हो गए बिल? 25,000। फ्रेश लग रहे हैं जरा, सुबह का टाइम है तो भी हर चीज़ फ्रेश बनी है। आए आप लोग भी खाएं हमारे साथ, एंजॉय करें, सुबह का टाइम है ना तो फ्रेश है। हम तो चाहते हैं यूके वाले सारा साल ही आते रहें। आते रहे, हम खाते रहे। चलें जी हम इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं, डाइटिंग खराब हो रही है यूके वालों की वजह से। ये जी अभी ऑर्डर किया था हमने बर्गर का, ये हाल है कि भाई इसके अंदर जो है वो चिकन ही कोई नहीं है, खाली क्रम ही क्रम है। तो अभी इनको वापस भी दिया है कि भाई आके जो है ये इसको ले जाएं, चेंज करके लाएं, बस उसी में फिर दोबारा इन्होंने सॉस वगैरह लगा के भेज दी है। ये है कौन? ये है जी जनाब जूस टो, क्या है ये जूसी टो सामने कमर्शियल मार्केट में है ये, बस अभी निकल रहे हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं सारा। फ्राइज ठीक थे और ये बिल्कुल भी ठीक हो नहीं थे बर्गर। जूस भी ठीक है, फ्रेश जूस लिए, पर ये जो है ना ये बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो सर्विस भी जो है इनकी अच्छी नहीं है। ये बस कैलोरीज खाई हैं आपने? हाँ बिल्कुल। चलते हैं जी अभी नेक्स्ट अपने काम पे। ये शॉप है जी जहाँ से हमने ये रिफ्रेशमेंट लिए बर्गर और जूस वगैरह, ये कमर्शियल मार्केट में। मैंने कहा आपको दिखा दूँ।